स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर, और मैं राहुल लोधी। आज डिवाई में देव कोचिंग सेंटर पर देव लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह है, और यहाँ पर अतिथि के रूप में आए हैं नितिन राजपूत, जो कि यूट्यूब की दुनिया में इस समय छाए हुए हैं, लोधी समाज के अग्रणी तारे नज़र आ रहे हैं, सितारे नज़र आ रहे हैं। और हम बात करेंगे नितिन राजपूत से कि किस प्रकार से उनकी यह जर्नी रही। सर, आपने किस प्रकार से जो सॉन्ग्स हैं उनको बनाना सीखा, और कौन आपके गुरु रहे, और आपकी जर्नी कैसी रही? नमस्कार सभी को, हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं आज से 4-5 साल पीछे जाते हैं तो वहाँ पे ना मुझे कुछ आता था, ना मैं गायक था, ना मैं कलाकार था, ना मैं लिख सकता था। तो उस टाइम पे मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो दोस्तों ने कहा नुके, मैं पहले वीडियो वगैरह बनाने लग गया था स्टार्टिंग में, जैसे कोई किसी यूट्यूबर को देख के हम काम करने लगते हैं तो वीडियो वगैरह बनाई। नुके नितिन यार क्या है ये, इससे अच्छी ये चीज़ तो ये शोभा नहीं देती, सही नहीं है ये, इसमें कुछ नहीं होगा। मैंने चलो मैंने क्या करूँ, यूँ के सॉन्ग वगैरह बनाऊँ। मैंने अच्छा चलो जी सॉन्ग बना लेंगे। मैंने कहा यार लेकिन मुझे ना तो मैं गायक हूँ, ना सिंगर, ना लेखक हूँ, क्या होगा? नुका कोई ना, आप तुझे सब चीज़ समय अनुसार मिलेगी। तो मैंने कहा चलो जी, हम चलते चलते समय अनुसार जैसे गाना गवाया गाया, वहाँ से सीख सीख के ऊपर आए। उसके बाद सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, चैनल मोनेटाइज हुआ, ठीक है। अर्निंग उससे बहुत ना की बराबरी स्टार्टिंग में अर्निंग होती थी, सब खर्चा ऐसा था। मैं जॉब करता था उस टाइम पे, ठीक है, नाइट की मैं जॉब करता था सर्दी के समय में, क्योंकि और दिन में जैसे कि नाइट में जॉब करके दिन में घंटे दो घंटे सो लिए, वरना गाने में गाना रिकॉर्ड करवा के आ गया, ठीक है, कहीं पे वीडियो शूट करवा के आ गया, ये करता था, ठीक है जी। तो जैसा कि आपने सिंगिंग का बताया कि आप जॉब करते थे, तो किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा? आप छोटे से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और लोगों ने बहुत मजाक भी उड़ाया होगा कि ये पागल हो गया है, बहुत से लोग उड़ाते हैं, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? भैया ऐसा है, जब मैं बिल्कुल ऐसा था ना, क्या जमीन से निकल के आया था, निकल रहा था उस टाइम पे, अब तो निकल चुके हैं, जब निकल रहा था ना तो उस टाइम पे ऐसा है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जैसे मैं हूँ, जो बात मेरे मन की है अगर मैं किसी और को बताऊँगा, अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो क्या है, तेरे बस की है? कुछ कर लेगा तो क्या कर लेगा, है कुछ तेरे बस की? ठीक है, मम्मी पापा उनके बेटा कुछ भी ना है, तुम पैसा बर्बाद करोगे। यार दोस्त उनके भाई क्या है, कुछ भी नहीं है। सारे मतलब ऐसा है, चारों तरफ ऐसा ही माहौल बन जाता है कि आपको डीमोटिवेट करते हैं। जब डीमोटिवेट करते हैं, अगर आप उनकी डीमोटिवेशन से अगर आप खुद डीमोटिवेट होते हो तो आप कुछ नहीं कर पाते। अगर आप उनकी गालियों को तालीमियों में बदलवा सकते हो तो वो है सिर्फ आपकी मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे तो वो गाली तालीम बदल सकती हैं, आज नहीं आज के दिन। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, अगर उनकी बातों का बुरा ले जाओगे, यूँ सोच के बैठ जाओगे उनको यार मेरे बस की नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप उनकी गालियों को सुन के तालियों बदलवाने की हिम्मत रखते हो तो आप सिर्फ मेहनत है आपकी जिससे आप सक्षम हो सकते हो, आगे कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, आपके जो हमने भी गाने सुने हैं और पीछे भी आपका गाना चल रहा है, ये कौन सा गाना चल रहा है? ये हमारा गाना है एक लोधी राजपूत दमदार, जिसकी MP ग्वालियर शूट हुआ है वो, ये वो लोधी राजपूत दमदार। तो हमने आपकी जो गाने हैं उनमें कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति भी झलकती है और कहीं ना कहीं राजपूताना भी झलकता है, तो आप सनातन संस्कृति और राजपूताना को किस प्रकार से समझते हैं और क्या इसके बारे में कुछ एक दो शब्द कहना चाहते हैं? भैया ऐसा है, मैं एक लोधी राजपूत कुल में जन्मा हूँ, जो कि जिला बुलंदशहर मेरा गाँव है, गजरौला नरसना थाना लगता है, विधानसभा सियाने में, ठीक है। तो मैं एक लोधी राजपूत घर में जन्मा हूँ, हिंदू हूँ, और मैं तो यही कहना चाहूँगा हर हिंदू मेरा भाई है, ठीक है जी। और मैं हमेशा आगे भी यही चाहूँगा कि मैं अपने हिंदू सनातन धर्म को आगे बढ़ाऊँ, बस मेरा यही कहना है। अच्छा, अभी अगर हिंदू है तो मेरा भाई है, XYZ चाहे वो कोई भी हो, मैं सीधा यही कहना चाहूँगा। तो और जो यहाँ के डिवाई के लोग हैं, आप डिवाई आए हो तो यहाँ के जो लोग हैं आपसे प्रेरणा लेकर सिंगिंग भी करेंगे और यूट्यूब चैनल भी बनाएंगे, तो जो यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो जल्दी ही यूट्यूब की दुनिया में छाना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य नहीं रखते, तो किस प्रकार से यूट्यूब की दुनिया में भी धैर्य रखा जाए और किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, कुछ टिप्स हमारे चैनल के माध्यम से आप दीजिए। भैया ऐसा है, देखो सबसे पहले तो मेहनत ही, आप मेहनत करोगे, ठीक है, दूसरी बात आप अपने चैनल पर कंटिन्यूटी रखो। अगर आप हाँ दिख रहा है आपको आगे जाना, या तो अगर जैसे आपको शौक के लिए एक या दो गाने बनाने या कोई वैसे वीडियो वगैरह बनाने, तो आप
पहली बात तो छोड़ दो, फिलहाल बेवजह आप पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं एक या दो गाने बनाऊं और वो वायरल हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वो समय और था कि हाँ कोई चीज़ डाल ली और वो वायरल होगी, ऐसा था ना। पहले ये होता था कि हाँ किसी गाँव में शूटिंग हो रही है, कोई हीरो आ रहा था, ट्रक के ट्रक जाते थे, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब किसी चीज़ को चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे इसी चीज़ में कंटिन्यूटी रखनी है, तो अपने चैनल पे पर मंथ कम से कम पर मंथ एक सॉन्ग तो आपको डालना ही डालना है। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी आपके चैनल में ऐसा है, देखो अगर आप स्टार्टिंग में किसी और से गवाते हो तो चैनल में दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि बाय द वे, सबसे पहले आप जैसे मान लो मैंने आपसे कोई गाना गवाया, उसमें आगे मेरी तुम्हारी नहीं बनी, तो आप दिक्कत बैठा सकते हो। इससे बढ़िया मैं सीधी कहना चाहूँगा, जो भी काम करो एग्रीमेंट पे करो, ठीक है, विद प्रूफ। ठीक है जी, यही मैं कहना चाहूँगा सभी को। और बाकी जो भी यूट्यूब की जानकारी हैं वो सभी आप यूट्यूब पर ले सकते हो कि हाँ जी यूट्यूब चैनल कैसे चलाएं, कैसे बनाएं, कैसे अपनी वीडियो प्रमोट करें। ठीक है, और बाकी CMS होता है, जो कि जब आप अंदर जाते रहोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी, बाकी सब चीज़ मेहनत समय अनुसार हो जाती है। अच्छा, एक कोई गाना हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को सुनाइए, जिससे कि लोगों को आपके प्रति उत्साह बढ़े और आपके चैनल का भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो। तो एक हमारा गाना है न्यू अपकमिंग में, जो बदमाशी का सॉन्ग है, इसका टाइटल घोषित नहीं किया, मतलब सोचा नहीं है। वो है जो बदमाश होता ना असल, जो वो उसकी ज़िंदगी के ऊपर है कि बदमाश बनता कैसे है, किस परिस्थितियों को। तो है, जो बने करे थे लैंड लोड यार करते थे अय्यासी, तेरी खातिर मैडम मन ने छेड़ी है बदमाशी, तेरा यार आलिया जेल से तेरा यार आलिया हो फिर हथियार ठालिया जेल से तेरा यार आलिया, जो कि हमारे अभी अपकमिंग हमारे चैनल पे आएगा। ठीक है, बहुत जल्दी आप सभी बीच में आएगा। और एक गाना हमारा है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मेन खास खास ज़िले हैं, जो उन जिलों के लिए है, वो भी बहुत जल्दी अपकमिंग है, आप सभी के बीच में आएगा। तो हमारे साथ नितिन राजपूत जी थे। हम अपने चैनल के माध्यम से भी जो दीपावली का पर्व आ रहा है उसकी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि नितिन राजपूत जी यूट्यूब की दुनिया में और ऊपर तक जाएं। अभी इनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो 1 मिलियन हो, 2 मिलियन हो, 10 मिलियन तक ये कहानी पहुँचे। और हम इसी के साथ, हमारे साथ एक और भाई हैं, आर्टिस्ट हैं, अभी अभी अमरपाल सर का यहाँ पर स्वागत हुआ था, इन्होंने आर्टिस्ट के रूप में उन्हें एक तस्वीर भेंट की उन्हीं की। तो आपने जो कलाकारी है वो कहाँ से सीखी और किस प्रकार से आपको उस कलाकारी का जुनून चढ़ा? तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल वालों का स्वागत करता हूँ। तो ये जो कलाकारी है, मेरे गुरु हैं जो अपने पड़ोस में ही हैं, सुखपाल नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे ये कलाकारी सिखाई है और उनका भी बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जो कलाकारी सिखाई है। तो बस यही है। तो ये थे हमारे साथ सियाना से आए नितिन राजपूत जी, और आपका क्या नाम था? सुशांत कुमार। सुशांत कुमार जी, तो इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश। आप सभी को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।